तो नमस्कार मित्रों, मोरा ब्लॉग में आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। आज की वीडियो में आपको लेकर आ गया हूँ नमो घाट। और नमो घाट पे देखा जाए तो काफ़ी तेज़ी जो है यहाँ पे पानी घट गया है, और उसी के साथ साथ मैं आपको दिखाने वाला हूँ जो कि नमो घाट पे आप अगर आना चाहते हैं तो आप मेरी वीडियो के माध्यम से आइएगा। अगर जो स्टेचू बना हुआ है दोस्तों, अगर आप उसका इन्जॉय करना चाहते हैं तो मेरे वीडियो के माध्यम से जरूर रहेगा, ठीक है। और हमारे नीचे की तरफ अभी फिलहाल में देख पा रहे होंगे पूरी तरह से जो है गंदगी यहाँ पे अभी स्थित है। अभी कुछ ही दिनों में इसको साफ़ किए जाएंगे तो पूरी तरह से देखा जाए तो यहाँ पे घूमने लायक हो जाएंगे, घूमने लायक हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं आपको वीडियो को मतलब दिखाते हैं, वीडियो के साथ बन रही है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि नमो घाट जो नमस्ते टेचू जो है यहीं पे लोग आते हैं, जो कि शाम के टाइम पर लोग घूमने फिरने आते हैं। और आज के दिन देखा जाए तो यहाँ पे जो है आपको कीचड़ नज़र आ रहे होंगे, जो कि दोस्तों यहाँ पे काफ़ी तेज़ी जो है पानी बढ़ गया था, और इसी के कारण जो है पूरी तरह से देख रहे हैं पूरा रेत जमा हुआ है बालू का। और ये दोस्तों कुछ ही दिनों में जो है इसको साफ किया जाएगा, मगर अभी जो है फिलहाल में देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे गजा हुआ है बालू, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो कैसा होगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलते हैं आपको वीडियो के माध्यम से पूरी तरह से यहाँ का सीन दिखाता रहता हूँ, ठीक है दोस्तों। चलते हैं जो कि उस तरफ दोस्तों आप फेज टू पे और फेज थ्री पे चले जाते हैं। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसा कि आप देख रहे हैं जो कि इस साइड में पूरी तरह से देखा जाए तो अभी बंद चल रहा है, और नीचे की तरफ देख रहे हैं जो कि यहाँ पे एक मंजिल जो सीढ़ी है दोस्तों पानी घट चुका है यहाँ पे देखा जाए तो, और देख सकते हैं सामने की ओर। और ये रहा दोस्तों 75 फीट ऊंचा जो है स्टेचू बनाए गए थे, और ये भी फिलहाल में देखा जाए तो बाढ़ में ये भी डूब गया था। नीचे की तरफ आपको कुर्सी नज़र आ रहे होंगे दोस्तों, एक बित्ता बाकी है जो कि उससे एक बित्ता पानी काफ़ी डाउन है, ठीक है। और देख सकते हैं उस पर भी ढेर सारा जो है मिट्टी बैठा हुआ है, ढेर सारा जो है बालू बैठा हुआ है दोनों बगल, ठीक है। और देखिए इस फ्लैट पे जो है पानी अभी जमा हुआ है, अभी इस पर कोई नहीं जा सकता है जब तक ये पूरी तरह से देखा जाए तो साफ नहीं हो जाता। आप देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से दोस्तों यहाँ पे पानी काफ़ी तेज़ी से जो है बढ़ गया था, और अभी फ़िलहाल में देखा जाए तो पानी भी कम नहीं हुआ है। अभी लोग इस पर जाना आना, और सीढ़ी पर देख रहे हैं जो कि सीढ़ी पर भी बालू गजा हुआ है, ठीक है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, जैसा कि इस तरह का जो है इस साइड के पानी की जगह कम हो जाते हैं तो ये नमो घाट जो है पूरी तरह से साफ़ हो जाएंगे, तब आने जाने के लिए आपको काफ़ी अच्छा हो जाएगा, ठीक है। अभी फ़िलहाल में देखा जाए तो यहाँ पानी लगे हुए हैं, और उस साइड से आप अगर उस साइड से आप घूमना फिरना चाहते हैं तो आप साइड से घूम फिर लेते हैं, और बीच में आप नहीं घूम पाएंगे अभी फ़िलहाल में देखा जाए तो, क्योंकि बीच में अभी देख रहे हैं कीचड़ नज़र आ रहे होंगे आपको सभी लोग को। चलते हैं आपको वीडियो के माध्यम से आगे दिखाते हैं। देखिए इस साइड से भी बंद है, जो कि इस साइड जो है कचरा भी फेंका गया है, ठीक है, जो कि ये भी पूरी साफ हो जाएगा। जब ये इधर का जब साफ हो जाएगा तो उसी साथ साथ ये भी साफ़ हो जाएंगे। जो कि आप आगे की तरफ से आते हैं तो आप चले आते हैं हमारे पीछे की तरफ से, जो कि वो नमो घाट फेज टू और फेज थ्री पे, ठीक है। तो ये दोस्तों शाम में काफ़ी घूमने का जगह काफ़ी अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर रस्सी लगाए गए हैं कि कोई बंदा जो है अंदर की तरफ ना जाए, ठीक है दोस्तों। ताकि दिखाते हैं आपको, और यहाँ से देखिए आप देख रहे हैं, जो कि आप अगर फ़ोटो वगैरह लेना चाहते हैं तो आप इस पे से ले सकते हैं। अगर आपको फ़ोटो खिंचवाना होगा तो आप इस पे से ले जो है आप ले सकते हैं फ़ोटो। अगर आप नीचे की तरफ जाते हैं तो आपके पैर में जो है मिट्टी लग जाएंगे। देखिए चारों तरफ जो है रस्सी से घेर दिए गए हैं चारों तरफ, ये देखो यहाँ से आप देख रहे हैं पूरी तरह जो है नज़ारा काफ़ी सुंदर भी लग रहा है, देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है दोस्त, देख रहे हैं। जो कि सामने आपको ये देखिए सेल्फी पॉइंट है, अगर आप सेल्फी वगैरह लेना चाहते हो तो आप यहाँ सेल्फी ले सकते हैं। और यहाँ से देख रहे हैं जो कि यहाँ से आप देख रहे हैं जो कि पूरी तरह से जो है रस्सी से गाइड किया गया है, और इस साइड में आप देख सकते हैं जो कि इधर की तरफ जो है अभी फ़िलहाल में कोई नहीं जा पाएगा, ठीक है। ये देखिए सामने राजघाट का पुल है, जो कि इसे मालू ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। ये वाराणसी का काफ़ी प्रसिद्ध पुल है दोस्तों, जो कि गंगा जलस्तर बढ़ने के कारण यहाँ पे काफ़ी लोग यहाँ पे आना अनिवार्य होता है, ठीक है। चलते हैं आपको उस साइड का दिखाते हैं।
देखिए यहाँ पे रेस्टोरेंट बनाए गए हैं और यहाँ पे काफ़ी खूबसूरत होता है दोस्तों आने में। देखिए यहाँ पे रेस्टोरेंट बनाए गए हैं और आपको बताना चाहते हैं ये रेस्टोरेंट में काफ़ी बदलाव हो चुका है, काफ़ी बदलाव हो चुका है। और यहाँ पे देखिए बाहर गेट पे जो कि पूरी तरह से आपको हरियाली देखने के लिए मिलता है। ठीक है, चलते हैं आपको आगे दिखाते हैं। देखिए बोर्ड पर लिखा हुआ है ना नमो घाट, जो कि पहले खिड़किया घाट के नाम से प्रसिद्ध था दोस्तों। और वो देखिए जो मंच बनाए गए थे दोस्तों, वो मंच देखा जाए तो पूरी तरह से वहाँ पे मिट्टी का घेर लगा हुआ है, दिख रहे हैं ना, जो कि कुछ ही दिनों में दोस्तों यह सफाई होगा काफ़ी तेज़ी से। यहाँ पे जब नीचे का पानी चला जाएगा तो यहाँ पे काफ़ी तेज़ी से जो है सफाई होना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए रेस्टोरेंट, जो कि दोस्तों 9 बजे के आसपास यह खुलता है। अभी फ़िलहाल में देखा जाए तो अभी बंद चल रहा है। अभी हम सुबह का टाइम आए हुए हैं, 8 बजे के लगभग 8 बजे का टाइम आए हुए हैं यहाँ पे। और आपको बताना चाहें दोस्तों यहाँ पे जो है रात में जो है 10 बजे के आसपास जो है खुला रहता है, ठीक है, और ये सुबह 9 बजे खुलता है। आप देख सकते हैं पूरी तरह से। ठीक है, देखिए सामने CNG आपको दिख रहा होगा, ये देखिए जो कि सारा सामान सारा जो है स्थित है। और ये आपको जो ये सामने दिख रहा है दोस्तों चेंजिंग रूम, जो कि ये तो बहकर चला गया था वाराणसी।